सब्सक्राइब करें वाइंदा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एंड नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द सेशन ऑफ बूस्टर डिस्कशन। यस, वी विल बी डिस्कसिंग अ सेशन ऑफ बूस्टर डिस्कशन बिकॉज SBIPO में आपके लिए बहुत कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, वी विल बी डिस्कसिंग अ सेशन बिकॉज टू क्रैक योर SBIPO। यस, SBIPO आपका क्रैक हो पाए इसलिए हम लोगों ने ये सेशन को ऑर्गेनाइज करवाया है, बूस्टर डिस्कशन सेशन जिसका नाम है। एंड फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग ऑल द नॉलेज विच यू वेर अनअवेयर ऑफ। यस, वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, आवर सेशन इज ऑन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी एग्रीमेंट इंडिया ने बाहर देशों के साथ जो साइन किया है, वील बी डिस्कसिंग टुडे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन वील हैव अ नॉलेज, वील हैव अ ब्रीफ डिस्कशन रिगार्डिंग व्हाट इज MOU। बहुत लोग आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो MOU और MOA को लेकर। सो टुडे वील बी डिस्कसिंग दिस, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी मैं इसका ताकि जिसको भी डाउट है वो डाउट आपका क्लियर हो जाए कि व्हाट इज MOU या फिर व्हाट इज MOA। तो इन दोनों के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ आप लोगों के लिए रखा है, दैट व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर MOU की यहाँ बात की जाए तो MOU मींस आपसी समझौता, आपसी समझौता हिंदी में। बट इफ वी डिस्कस इन इंग्लिश, इंग्लिश अगर इसका डेफिनेशन दूं मैं आप लोगों के लिए तो व्हाट इज इट, MOU इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। व्हाट इज इट, इट इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू मोर पार्टीज। यस, एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है बिटवीन टू मोर पार्टीज, हिंदी में से हम बोलते हैं आपसी समझौता। बट इफ वी टॉक अबाउट MOA, MOA क्या है, MOA इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या करता है ये, क्या काम है इसका, टेल्स अबाउट द कंपनीज आइडेंटिटी गोल्स एंड वर्किंग पैटर्न। MOA का काम है ये हमें बताता है कंपनी के वर्किंग पैटर्न के बारे में, उनके गोल्स के बारे में एज वेल एज उनके आइडेंटिटी के बारे में। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन MOU एंड MOA। सो आज आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टुडे आवर सेशन इज ऑन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आज। नॉट जस्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दो देशों के बीच में क्या अग्रीमेंट हुई है, क्या पैक्ट साइन हुआ है, किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सेशन लाया है मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट वील ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट अन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पैक्ट, उसके रिलेटेड और भी कंट्रीज, अगर दो कंट्री जुड़ी है तो वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट इट, कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट्स। सो टुडे आवर सेशन इज ऑन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से और देखते हैं कि पहला पॉइंट, पहला ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किया था इंडिया ने एंड किसके साथ। सो मूविंग अहेड देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। सो हियर इट कम्स। फर्स्ट पॉइंट एज वी कैन सी इज ऑस्ट्रेलिया लिस्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस लिमिटेड LNG लिमिटेड हैज साइंड अ पैक्ट टू पोटेंशियली सप्लाई गैस फॉर इट्स प्लांट मंगोलिया LNG प्रोजेक्ट इन द US टू इंडिया फॉर 20 ईयर्स। मतलब क्या, यहाँ पे क्या है ये डिस्कशन हम थोड़ा सा क्लियर करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, ब्रीफली बताती हूँ कि what it is all about। ऑस्ट्रेलिया लिस्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है लिक्विफाइड नेचुरल गैस लिमिटेड ने एक साइन पैक्ट किया है। क्या किया है, एक पैक्ट साइन किया है किसके साथ, इंडिया के साथ। ऑफकोर्स यहाँ हम देख सकते हैं कि एक पैक्ट साइन किया गया है इंडिया के साथ एंड इस पैक्ट में क्या कहा गया है, मीन्स 20 सालों के लिए ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस लिमिटेड कंपनी है ये ऑस्ट्रेलिया की, इसका प्लांट है मंगोलिया LNG प्रोजेक्ट, ये जो इसका प्लांट है मंगोलिया LNG प्रोजेक्ट में ये गैस सप्लाई करेगी इंडिया को 20 सालों के लिए। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ आपको याद क्या रखना है,
ऑस्ट्रेलिया की लिस्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस लिमिटेड कंपनी है। ये इसके साथ साइन किया है इंडिया के साथ, इन्होंने 20 सालों के लिए ये गैस सप्लाई करेगी फ्रॉम इट्स प्लांट मंगोलिया एलएनजी प्रोजेक्ट वाया यूएस टू इंडिया। यूएस के थ्रू इंडिया में ये गैस सप्लाई करेगी, क्या चीज, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्लियर एवरीवन, कितने सालों के लिए, 20 सालों के लिए। नाउ द नेम हियर इज, एक बहुत बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया, सो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। कैपिटल क्या है इसका, कैनबरा। करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड पीएम कौन है इनके, मालकॉम टर्नबुल। सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, बिकॉज आपके पीओ में, पीओ के एग्जाम में आपसे कैपिटल, करेंसी, पीएम कुछ भी पूछा जा सकता है। सो प्लीज डू नोट डाउन, याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है। ये क्या करेगी, एक गैस सप्लाई करेगी वाया यूएस, एक इसकी ही प्लांट मंगोलिया एलएनजी प्रोजेक्ट है। तो ये क्या कर रही है, 20 सालों के लिए आपको गैस सप्लाई कर रही है इंडिया को। क्लियर एवरीवन, कैपिटल देख लेते हैं फिर से, कैनबरा। याद रखिए, चीजों को तुरंत तुरंत याद रखो, यू डोंट हैव टाइम। मैक्सिमम टाइम आपको किस पे फोकस करना है, एक बार डू जस्ट एक बार में सारी चीजों को बैठा लो, तो यहाँ जो भी मैं बता रही हूँ आपको तुरंत तुरंत याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, ताकि आपको अलग से कोई फिर से टाइम ना देना पड़े। जब जो काम करो उसे बहुत ईमानदारी से करो। तो अभी का अभी आप लोग इस सब चीजों को याद कर लो। कैपिटल देख लीजिए, कैनबरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड पीएम मालकॉम टर्नबुल। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यस, नाउ हियर इट कम्स। India's largest LNG importer Petronet has signed an agreement to set up a $950 million liquefied natural gas import project in Bangladesh. Now the countries here are India and Bangladesh. हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया एंड बांग्लादेश है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट इंपोर्टर कंपनी डैट इज Petronet, और इन्होंने क्या किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है, कितने डॉलर की, $950 मिलियन। और ये क्या करेंगे, एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट प्रोजेक्ट है ये जो बैठाएंगे। अभी तक ये इंडिया को सप्लाई कर रही थी, अब ये बांग्लादेश को भी सप्लाई करेगी, ठीक है, एक गैस इंपोर्ट प्रोजेक्ट जो कि बैठाया जा रहा है विद $950 मिलियन इन्वेस्ट किया जा रहा है इस अग्रीमेंट में। सो द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे ये है कि इंडिया की लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर जो है, जिसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोलते हैं, Petronet है, और ये साइन किसके साथ हुआ है, डील किसके साथ हुई है, बांग्लादेश के साथ हुई है। नाउ बांग्लादेश अगर कंट्री का नाम यहाँ पे आता है तो अगेन इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, क्या क्या है वो, कैपिटल क्या है बांग्लादेश का, दैट इज ढाका। सेकेंड, करेंसी टाका। सो ढाका टाका याद रहेगा आप लोग, लिंक करिएगा इसे। पीएम कौन है, शेख हसीना। एंड प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हमीद। सो आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, इंडिया की लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर कंपनी दैट इज Petronet, कितना इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, $950 मिलियन, क्या है, किस लिए किया है, टू लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट प्रोजेक्ट। क्लियर एवरीवन, ये पॉइंट भी आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसकी कैपिटल क्या है, ढाका। करेंसी क्या है, टाका। पीएम कौन है, शेख हसीना। एंड प्रेसिडेंट, अब्दुल हमीद। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सो हियर इट कम्स, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग between India and Kenya on bilateral cooperation in the field of agriculture and allied sectors. So, Union Cabinet ke head, kaun hai, we all know, it is Narendra Modi, right? Next, moving on to the point, it agreement yahan pe unhone approval diya hai kisi cheez ka, kya hai wo approval? इन्होंने India और Kenya ke beech mein ek pact sign hua hai, uska approval diya इन्होंने कि एक बाईलैटरल कोऑपरेशन बिल्ड करने के लिए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। बाईलैटरल मींस दो कंट्रियों के बीच में, दो देशों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट, साझेदारी, समझौता।
तो यहाँ पे ये किस फील्ड में इन्होंने परमिशन दिया है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर्स। ये दोनों कंट्री के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी ये अग्रीमेंट, बिकॉज ये एग्रीकल्चर के फील्ड को एनहांस करने के लिए, अलाइड सेक्टर्स के फील्ड को एनहांस करने के लिए इन दोनों ने एक बाइलैटरल कोऑपरेशन साइन किया है, एक ट्रीटी साइन किया, एक अग्रीमेंट साइन किया है। चलिए बढ़ते हैं इससे रिलेटेड, केन्या यहाँ पे है कंट्री, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। कैपिटल कौन है? कैपिटल है नैरोबी। करेंसी है केनियन शिलिंग। कैपिटल याद रखिए नैरोबी, केन्या का कैपिटल है नैरोबी। करेंसी है केनियन शिलिंग एंड प्रेसिडेंट है उरु केन्याता। क्लियर एवरीवन? बहुत लोग अपने अपने तरीके से प्रोनाउंस करते होंगे। सो प्रेसिडेंट है उरु केन्याता, करेंसी इज केनियन शिलिंग एंड कैपिटल है नैरोबी। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। इंडिया एंड केन्या के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया है। किस चीज़ के बारे में? एक बायलैटरल कोऑपरेशन मतलब हुआ है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है इन दोनों देशों के बीच में इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। लेट मी वेरी एम्फसाइज दिस वर्ड, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सो हियर इट कम्स। इंडिया एंड कजाकिस्तान साइंड एन अग्रीमेंट टू अमेंड द 2 decade ओल्ड बायलैटरल टैक्स ट्रीटी अंडर विच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज्ड बिटवीन द टू कैन बी शेयर्ड विथ अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। यस अगेन, बहुत ही सिंपल है ये भी आप लोगों को याद रखने के लिए। चलिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ इन सब चीज़ों को, डिस्कस कर लेते हैं फिर से। क्या है देखते हैं, इंडिया एंड कजाकिस्तान इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। अग्रीमेंट किस चीज़ का साइन हुआ है? अमेंड, यहाँ पे अमेंड करने की बात की जा रही है, मतलब चेंज करने की बात की जा रही है या फिर स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। किस चीज़ से रिलेटेड? ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता था, 2 decade ओल्ड बायलैटरल टैक्स ट्रीटी, मतलब ऑलरेडी 20 साल पुराना ये बायलैटरल टैक्स ट्रीटी था, इसको चेंज करने की यहाँ पे बात की गई है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है फिर से, चेंज करने की यहाँ बात की गई है। अंडर विच पहले ये दोनों कंट्री अपने में क्या करते थे, टैक्स ट्रीटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था ये लोग शेयर करते थे। तो यहाँ पे कर से संबंधित, टैक्स मीन्स कर से संबंधित यहाँ पे बातें की गई है। तो अभी तक ये दो कंट्री अपने में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे, बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट, आफ्टर दिस अग्रीमेंट ये देखा गया है यहाँ पर कि नॉट जस्ट दिस 2 countries बट देल शेयर द इंफॉर्मेशन विथ, यहाँ आप देख सकते हो, देल शेयर द इंफॉर्मेशन विथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। नाउ ये लोग क्या करेंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, इसलिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ वी विल ऑल्सो लुक ओवर द इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। कजाकिस्तान, कैपिटल क्या है इसका? अस्ताना, लाइक कजाकिस्तान अस्तान। तो इससे आप लोग याद रखोगे बहुत ज़्यादा, ये लास्ट वर्ड याद रखिए एंड कैपिटल का भी आप लोग लास्ट वर्ड याद रखिए, तो थोड़ा सिमिलर है, याद रहेगा आप लोगों को। स्थान, कजाकिस्तान का कैपिटल है अस्ताना। करेंसी क्या है इसकी? टेंगे। एंड प्रेसिडेंट कौन है? नूर सुल्तान नजरबायेव। ठीक है, नूर सुल्तान नजरबायेव ये प्रेसिडेंट हैं उसके। क्लियर एवरीवन? अच्छा, यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ हम लोग सीख कर सकते हैं, डैट इज यहाँ आप लोगों को जो लॉ इन्फॉर्मेशन है, सॉरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, ये क्या करे, इनसे भी इनको क्या करना है, शेयर करना है इन्फॉर्मेशंस। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सो हियर इट कम्स। इंडिया एंड पोर्टुगल साइंड 6 agreement इंक्लूडिंग 1 on defense कोऑपरेशन आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड बायलैटरल टॉक्स विथ पोर्टुगल प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा। सी, अब यहाँ हम और भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि इंडिया एंड पोर्टुगल ने साइन किया है 6 agreement। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये अग्रीमेंट साइन किस लिए की गई थी, टू बूस्ट, किसके किसके बीच हुई है, इंडिया एंड पोर्टुगल। क्यों किया गया है ये? डिफेंस कोऑपरेशन आप देख सकते हो,
ये एक पॉइंट है, वो छह एग्रीमेंट में से ये एक है जो इम्पोर्टेंट था, यहाँ मैंने फोकस किया है। एक बायलैटरल टॉक किया नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा के साथ, क्या था, किस लिए था, टू बूस्ट, किस चीज़ के लिए यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टू बूस्ट जॉइंट प्रोडक्शन, टू बूस्ट जॉइंट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, जॉइंट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स। ओके, नाउ वी कैन सी हियर इज कि इंडिया एंड पोर्टुगल हैव अग्रीड टू वर्क आउट, ओके दिस इज चेंज्ड वन, ओके फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया एंड पोर्टुगल ने साइन किया है अग्रीमेंट डिफेंस कोऑपरेशन से रिलेटेड, तो क्यों किया गया है, जॉइंट प्रोडक्शन मीन्स हमारे जो कंट्री का जो वेपन्स है उसको डेवलप कराया जा सके, इसलिए इन्होंने क्या किया है, अग्रीमेंट साइन किया है। सो वी कैन सी हियर इज कि ये अग्रीमेंट साइन किया गया है इन दोनों के बीच में। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है हमारे लिए। और इसके कैपिटल देख लेते हैं, पोर्टुगल के कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल है इसके लिस्बन, करेंसी है यूरो, एंड पीएम कौन है, एंटोनियो कोस्टा, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है, राइट। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन और हम ले सकते हैं। सो देखते हैं कि यहाँ से क्या और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट है, एंटोनियो कोस्टा की अगर बात करें, एंटोनियो कोस्टा के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 2017 में, 2017 में जो प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया था, ये प्रवासी भारतीय दिवस के क्या थे, चीफ गेस्ट रहे हैं। तो याद रखिएगा आप, 2017 में प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया था जनवरी में, ये उस टाइम पे क्या थे, चीफ गेस्ट रहे हैं, एंटोनियो कोस्टा। क्लियर एवरीवन, यहाँ से क्या क्या फैक्ट है, इंडिया और पोर्टुगल के बीच में अग्रीमेंट साइन किया गया है जिसमें हम डिफेंस कोऑपरेशन की यहाँ बात कर रहे हैं। डिफेंस कोऑपरेशन किस फील्ड में, टू जॉइंट जॉइंट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स एक्सेट्रा। और यहाँ पे एंटोनियो कोस्टा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि ये 2007 के चीफ गेस्ट रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस के टाइम पे। क्लियर एवरीवन, चलिए बढ़ते हैं। इनके कैपिटल भी हमने डिस्कस किया है, लिस्बन, करेंसी है यूरो, एंड पीएम है एंटोनियो कोस्टा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, और देखते हैं कि आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इंडिया एंड पोर्टुगल हैव अग्रीड टू वर्क आउट मोडालिटीज फॉर कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन द फिल्म सेक्टर। यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस जो जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, आप उसे देखिए क्या है। इंडिया एंड पोर्टुगल इन्होंने क्या किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है इन द सेक्टर ऑफ फिल्म, फिल्म सेक्टर में एक अग्रीमेंट साइन की गई है। और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग देख सकते हो, द अग्रीमेंट वुड बी फ्रेम्ड इन टाइम बाउंड मैनर। ये जो टाइम बाउंड मैनर है ये आप लोग ध्यान रखिए कि मीन्स यहाँ पे टाइम फिक्स की गई है, एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ टाइम में, मीन्स अ गोल टास्क दैट इज मेजर्ड और रेस्ट्रिक्टेड बाई टाइम। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन है, तो आप लोग देख सकते हो कि टाइम बाउंड मैनर है। इसमें इनको क्या करना है, फिल्म सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अग्रीमेंट साइन किया है, और इसमें इम्प्रोवाइजेशन की बात की गई है। सो ये इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, कौन कौन है, इंडिया एंड पोर्टुगल। तो बस याद रखिए, एक ट्रीटी साइन की गई थी, अग्रीमेंट साइन की गई थी इन द सेक्टर ऑफ फील्ड, एंड इट वॉज अ टाइम बाउंड मैनर, एक फ्रेम टाइम मतलब एक रिस्ट्रिक्शन फिक्स किया गया है। यहाँ पे कैपिटल क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लिस्बन, करेंसी यूरो, एंड पीएम एंटोनियो कोस्टा। क्लियर एवरीवन, ये पॉइंट भी आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, द ओनली थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर इज इट्स द कंट्री, टू कंट्रीज एंड अग्रीमेंट किससे रिलेटेड हुई थी, राइट। तो ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम फोकस करेंगे उन उन वर्ड्स को, उन उन चीज़ों को जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
Yes, India and US have signed a MOU to collaborate in the field of development activities and aid in third world countries. The MOU has been signed between the Millennium Challenge Corporation and Development Partnership Administration of the Ministry of External Affairs of India. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया एंड यूएस के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है. कौन से फील्ड में? इन द फील्ड, यहाँ बात की जाए इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड एड. एड का मतलब होता है हेल्प. हेल्प करना, किसे हेल्प करेंगे ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज में? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, मीन्स इंडिया एंड यूएस. कोई भी तीसरा कंट्री हो, सच फॉर एज फॉर एग्जांपल कंट्री एक्स या फिर कंट्री वाई, अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी रिलेटेड इशू होती है रिगार्डिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज, तो ये इनिशिएटिव इंडिया एंड यूएस ने मिलकर साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है कि दे विल हेल्प इन दैट पर्टिकुलर मैटर. क्लियर एवरीवन? सो किसके किसके बीच साइन हुआ है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मऊ हैज बीन साइंड बिटवीन मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन and development, D is missing here, and Development Partnership Administration of the Ministry of External Affairs of India. I hope clear hoga. Millennium Challenge Corporation, Development Partnership Administration, in dono ke beech mein agreement sign kiya gaya hai. And yahan se related US ki baat aa rahi hai, to unse related hum kya karenge, inke capital ko dekh lete hain. आई होप सबको पता होगा, फिर भी एक रिविजन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जाम में हम भूल जाते हैं. सो कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. इनका नाम सबको पता है आई होप. यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ. सो हियर इट कम्स. द गवर्नमेंट अप्रूव द साइनिंग ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएई. यहाँ देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इंडिया एंड यूएई के बीच में एक अग्रीमेंट साइन की गई है इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स. यहाँ पे किस बीच में साइन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फॉर एमओयू, किसके किसके बीच में साइन की गई है? इंडिया एंड यूएई, राइट? किस सेक्टर में की गई है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में की गई है. सो यहाँ हम एक चीज़ देख सकते हैं कि क्या किस चीज़ को फोकस करते हुए इन्होंने साइन किया है. तो हियर हम लोग एक छोटा सा नोट देख लेते हैं कि जो फील्ड है, जो सेक्टर है, यहाँ पे क्या है, किससे रिलेटेड है? इट्स रिलेटेड टू ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स फॉर बेस्ट एग्रीकल्चर इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेस्ट एग्रीकल्चर एंड बेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर एंड बेटर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ ध्यान दिया गया है. किससे रिलेटेड? जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, क्या क्या है वो पॉइंट देख सकते हैं आप लोग. बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझा जा सके, एंड एंड टू इम्प्रूव द बेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर फील्ड, राइट? प्रोडक्टिविटी की बात की गई है. ये दोनों बहुत ही खास पॉइंट है बिकॉज एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर से रिलेटेड है. नाउ यहाँ हम कैपिटल देख लेते हैं. कैपिटल ऑब्वियसली यूएई के कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, अबू धाबी. करेंसी है दिरहम एंड प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नया. क्लियर एवरीवन? कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम एंड प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नया. एन अग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएई. रिलेट मैटर क्या था? मैटर था एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने की बात की गई है. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. सो द पॉइंट हियर इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड एन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरुग्वे ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन कस्टम्स मैटर. सो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बात की गई है किससे रिलेटेड. यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है. क्या अप्रूव किया है? एन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरुग्वे. यहाँ पे इंडिया और यूरुग्वे की बात की गई है. इंडिया एंड यूरुग्वे के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की गई है. किससे रिलेटेड? असिस्टेंस. असिस्टेंस की अगर बात की जाए तो परामर्श,
हिंदी में इसे परामर्श बोलते हैं, म्यूचुअल परामर्श ऑन कस्टम्स मैटर। कस्टम मैटर मीन्स कस्टम से आपको पता चल गया होगा ड्यूटी, कस्टम रिलेटेड मैटर मीन्स ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। क्लियर? देखिए यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर होंगे कि किससे रिलेटेड बात की गई है यहाँ पे, कस्टम मैटर से रिलेटेड बात की गई है। ऑब्वियस बात है कि कई बार देखा जाता है ना कि अगर हमारे बीच में, अगर मेरे और आपके बीच में, एज फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई कंट्री के बीच में क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट वहाँ से चालू है, तो क्या होता है, थोड़ा सा तो हम चाहेंगे कि भाई कंसेशन दो, तो ये कुछ कंसेशन इससे रिलेटेड की गई है, बात की गई है बिटवीन इंडिया एंड यूरुग्वे। अच्छा, कैपिटल देख लेते हैं, मोंटेवीडियो। क्लियर एवरीवन? करेंसी क्या है इसका? पेसो। एंड प्रेसिडेंट कौन है? तबारे वाज, सॉरी वास्क्यूज, राइट? प्रेसिडेंट कौन है? तबारे वास्क्यूज। एंड करेंसी है यहाँ पे पेसो, एंड कैपिटल है मोंटेवीडियो। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम था। तो प्रेसिडेंट है यहाँ पे तबारे वास्क्यू, करेंसी है पेसो एंड कैपिटल है मोंटेवीडियो। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यस, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन कस्टमर्स मैटर्स, निशा सिंह। ये इंडिया और यूरुग्वे के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अग्रीमेंट साइन की गई है। किससे रिलेटेड? कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस से रिलेटेड ऑन कस्टम मैटर्स। कस्टम्स रिलेटेड यहाँ आपको प्लीज समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बारे में बात की गई है। क्लियर? अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सो हियर इट कम्स, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंक्ड अ मूव विद द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन इट्स एडवर्टाइजिंग सेक्टर। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छा हुआ जो भी हुआ। यहाँ देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मतलब हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड बात की गई है यहाँ पे, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की यहाँ बात की जा रही है, तो हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट है। क्या है? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है किसके बीच? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ साइन किया खुद बता दे रहा है कि इसका क्या काम क्या है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल मीन्स एडवर्टाइजिंग सेक्टर्स जो है, जो एडवर्टाइज करते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, जो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होती है, यहाँ आप देख सकते हो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, इस पर ये क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि किससे रिलेटेड है, पता चली गया होगा। अब जैसे एक ऐड बन जाता है कि गुड नाइट वहाँ से निकल के कूद के मच्छर खा रहा है, या फिर फेयर एंड लवली एक कैसे से कैसा बना देता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर क्या करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, इनको देखेंगे। आई होप क्लियर होगा आप सभी, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए, इसके मिनिस्टर कौन है, आयुष मिनिस्टर कौन है? श्रीपद यासो नायक। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि क्या है। जी हाँ, साज मर्गी, मैंने ये ऑलरेडी बताया है कि वो प्रेसिडेंट थे 26 जनवरी के जो गेस्ट थे। यस, वेरी गुड, ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अ जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन 28 जनवरी 2017 बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। नाउ यहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने की बात की गई है। एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ झारखंड ने, एंड यहाँ हम देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने एक अग्रीमेंट, एक जॉइंट वेंचर साइन किया है ऑन 28 जनवरी 2017 टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान रखा गया है यहाँ पे इंडिया, एंड यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, झारखंड और रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री के बीच में ये अग्रीमेंट साइन की गई है। रेलवे मिनिस्टर कौन है? सुरेश प्रभु। झारखंड का कैपिटल क्या है? सबको पता होगा, रांची। सीएम कौन है? रघुवर दास। एंड गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। क्लियर एवरीवन? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यस,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है. राइट, एम आई टू स्लो? बट सी, आप लोगों को याद रखना होगा, चीज़ों को आप लोगों को देखना होगा. राइट, इसीलिए मैं इसे धीरे धीरे एंड स्लोली समझा रही हूँ. एक बार में मैं बोल दूँ, पढ़ा दूँ और निकल जाऊँ तो वो चीज़ें आपके समझ में भी नहीं आएंगी. इसीलिए मैं चीज़ों को एम्फसाइज कर रही हूँ कि ताकि बाद में आपको बुक खोल के ना देखना पड़े. वीडियो देखने का कुछ तो बेनिफिट्स मिले आप लोगों को, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से एंड क्लियरली समझ में आए एंड चीज़ें रिवाइज भी हो जाए आपके साथ. सारे मैंने मिनिस्टर्स एज वेल एज कैपिटल करेंसी सब मैंने यहाँ पे दिया है. राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. यस, तेलंगाना गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट विथ फ्रांस एरो कैंपस एक्विटाइन ऑन सेटिंग अप एन एरो स्किल अकेडमी. यस, तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम साइन किया है फ्रांस के साथ. फ्रांस के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया इन्होंने एरो कैंपस एक्विटाइन, क्या चीज़ सेट करने के लिए? एक एरो स्किल अकेडमी, एक एरो स्किल अकेडमी सेट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक मेमोरेंडम साइन किया गया है. टू इम्प्रूव द स्किल, इम्प्रूव स्किल को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने फ्रांस के साथ, दैट इज़ जो कंपनी है एरो कैंपस एक्विटाइन, सेटअप करने की बात चल रही है यहाँ पे. क्लियर? नाउ कैपिटल देख लेते हैं फ्रांस का, पेरिस. करेंसी इज फ्रांस एंड यूरो. नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिडेंट. यस, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ये कई बार अभी न्यूज़ में रहे हैं, डिस्कशन इस पे कई बार हो चुका है. प्रेसिडेंट है इसके इमैनुअल मैक्रोन, जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, यहाँ भी पूछा जा सकता है. यस, एंड तेलंगाना कैपिटल है किसका, तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद. सीएम यहाँ पे कौन है, के चंद्रशेखर राव. एंड गवर्नर हैं ESL नरसिम्हन. क्लियर एवरीवन? आई होप यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गए होंगे. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है. यस, यहाँ देख लेते हैं हम. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प HPCL एंड गेल हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप 40,000 करोड़ पेट्रोकेमिकल प्लांट. यहाँ देख सकते हैं हम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प एंड गेल किसके किसके बीच साइन हुआ है, HPCL एंड गेल के बीच में एक अग्रीमेंट साइन किया है विद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ फॉर सेटिंग 40,000 पेट्रोकेमिकल प्लांट. यहाँ पे पेट्रोकेमिकल प्लांट की बात की गई है स्टेट में. और पैसा कौन बियर करेगा, मींस यहाँ पे ये वेंचर जो है 50-50 देख रहे हैं हम. राइट, 50-50 जो है यहाँ पे जॉइंट वेंचर है जो कि दोनों देंगे, दोनों के साथ होगा 50-50 ये वेंचर है. तो ये किससे रिलेटेड बात की गई है, पेट्रोकेमिकल अगर बात आता है तो यहाँ पे क्रूड ऑयल अपने आप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड है. किस चीज़ के लिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल जो इम्प्रूवमेंट है उसके मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट पेंट्स कोटिंग कॉस्मेटिक टेक्सटाइल एंड एडहेसिव, इन सब चीज़ों के लिए एक प्लांट सेटअप किया जा रहा है, पेट्रोकेमिकल प्लांट इन द स्टेट गवर्नमेंट, इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. 40,000 करोड़ रुपी इन्वेस्ट किया जा रहा है बाय गेल एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प. क्लियर एवरीवन? समझ में आया? HPCL की CEO कौन है देख लेते हैं. इट इज मुकेश कुमार सुराना. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई. नेक्स्ट, गेल के CEO कौन है, BC त्रिपाठी. एंड हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. HPCL के CEO, इट इज मुकेश कुमार सुराना. हेडक्वार्टर है मुंबई. गेल के CEO कौन है, BC त्रिपाठी. एंड हेडक्वार्टर कहाँ है, इट इज़ न्यू दिल्ली. आई होप यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर होंगे. बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. यस, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड. नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड RDEL हैज साइंड एन ₹19,916 crore कॉन्ट्रैक्ट विथ डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 14 फास्ट पेट्रोल वेसल. यस, यहाँ पे देखिए किस चीज़ के बारे में डिस्कशन है. इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, 14 फास्ट पेट्रोल वेसल डिज़ाइन कर रहे हैं. कौन, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड. ये लोग किसके साथ मिलकर, विथ डिफेंस मिनिस्ट्री.
और कितना पैसा दिया जा रहा है, सॉरी 19.916 करोड़ यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा दिया जा रहा है। एंड ये किसकी कंपनी है, RDEL इज अ होली ओन्ड कंपनी ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसकी एक कंपनी है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, बेसिकली अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली ये गवर्नमेंट ही बनाते हैं, गवर्नमेंट ही चीज़ों को बनाते हैं, बट यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड 14 फास्ट पेट्रोल वेसल बना रही है। फास्ट आई होप समझ में आ, पुलिस पेट्रोलिंग करती है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी होली यहाँ पे 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनाए जा रहे हैं बाय रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। क्लियर एवरीवन? डिफेंस मिनिस्टर कौन है? अरुण जेटली। आई होप पहले के डिफेंस मिनिस्टर पहले कौन थे आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग कमेंट करिए, आंसर दीजिए इसका कि बिफोर अरुण जेटली कौन थे डिफेंस मिनिस्टर। और देख सकते हो आप एडिशनल चार्ज यहाँ पे मेंशन किया गया है, मतलब क्या एडिशनल चार्ज यहाँ पे, मतलब जैसे कि सपोज मिस्टर एक्स थे पहले, अभी वाई हैं, तो उनको जब हटाया जा रहा है ऑल ऑफ अ सडन, अभी जैसा कि आप लोग आंसर दीजिए उसके बाद मैं इस पर डिस्कस करूँगी। आई होप आप लोगों को पता होगा डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, अरुण जेटली के पहले कौन थे, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। बिफोर, यस आंसर मिल भी गया मुझे रियाज के तरफ से, मनोहर पारिकर। तो अभी मनोहर पारिकर गोवा में चले गए हैं, तो जितने थे अभी अचानक से अरुण जेटली को लाया गया, तो सारे उनके जो काम हैं, उनके जो ड्यूटीज हैं, ये अरुण जेटली के ऊपर आ गए, दैट इज एडिशनल चार्ज। RDEL का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज मुंबई। एंड इसके CEO कौन है? HS मालिक। क्लियर? यहां तक पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट विद द अमेरिकन नेवी फॉर रिपेयर एंड ऑल्टरेशन सर्विस फॉर वॉरशिप ऑफ द लार्जेस्ट फॉरवर्ड डिप्लॉयड 7th फ्लीट ऑपरेटिंग इन द रीजन। नाउ ये जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सी ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों मैं ये आप देखा रही हूँ आप लोगों को, अगेन आप लोग देख सकते हो रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात की गई है, एक इंडिया की प्राइवेट कंपनी अमेरिका के नेवी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है, किस चीज़ के लिए, इनके वॉरशिप से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं, रिपेयरमेंट है, ऑल्टरेशन है, ये रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी सॉल्व करेगी, इनको संभालेगी, इनको देखेगी। क्लियर एवरीवन? वॉरशिप्स वो होते हैं ना जो जिसमें लाइक कैनॉन्स भी इम्प्लीमेंटेड होते हैं, एंड देन जितने भी गोलाबारी एंड ऑल होते हैं उससे उसको बचाया जाता है, तो दिस इज वॉट एक रिलायंस इंडिया की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक अमेरिकन नेवी कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट साइन की है रिगार्डिंग वॉरशिप्स के रिपेयरमेंट ऑल्टरेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। नाउ कैपिटल क्या है इसका देख लेते हैं, अमेरिका का वॉशिंगटन DC, आई मीन ये बहुत बच्चों वाला सवाल है, फिर भी देख लो रिविजन हो जाएगा, राइट? यहाँ पे कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, RDEL का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। CEO है HS माली। अभी हम लोगों ने पीछे इस सब चीज़ों को डिस्कस किया। क्लियर एवरीवन? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। रिलायंस जियो अनाउंस्ड अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विथ कैब एग्रीगेटर उबेर विच विल स्टार्ट विथ अलाउइंग यूजर्स टू पे फॉर देयर राइड्स थ्रू अ प्रीपेड वॉलेट लॉन्च्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। नाउ देखिए यहाँ हम देख सकते हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है इंडिया, राइट? कैशलेस इकोनॉमी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है, अभी नाम नहीं आया है उसके वॉलेट का, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में उतर रही है, किसके साथ? उबर के साथ। उबर के साथ ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में उतर रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कैशलेस इनके वॉलेट के थ्रू क्या होगा, पेमेंट किया जाएगा, इनके वॉलेट के थ्रू पेमेंट किया जाएगा, तो एक ये देख सकते हैं ये स्ट्रैटेजिक किसके टूवर्ड्स है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर होंगे। उबर के CEO कौन है? ट्रैविस कैलनिक। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, USA। क्लियर एवरीवन? इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ देखते हैं डायरेक्ट टू होम, अगेन सेम इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। डायरेक्ट टू होम DTH की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ऑपरेटर डिश TV हैज टाइड अप, DTH ने टाई अप किया है ICICI बैंक के साथ
टू अगेन डिजिटल पेमेंट. डिजिटल पेमेंट मीन्स यहाँ पे अगेन कैशलेस इकोनॉमी की बात की गई है. क्लियर एवरीवन? थैंक यू नवीन पांडे. बट आप लोग फोकस करिए इस पॉइंट्स पे, राइट? आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ताकि आप लोग एग्जाम में दोबारा आपको बुक खोल के देखना ना पड़े. क्लियर? यहाँ देखते हैं डिश टीवी ब्रांड अम्बेसडर. डिश टीवी ब्रांड अम्बेसडर कौन है? यहाँ पे शाहरुख खान है. सीईओ कौन है? अरुण कुमार कपूर. हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा. आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई. सीईओ कौन है आईसीआईसीआई बैंक के? चंदा कोचर. स्टैब्लिश कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. 1994. एंड इसका टैगलाइन क्या है? ख्याल आपका हम है ना, राइट? बड़ा ही प्यारा टैगलाइन है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं टैगलाइंस भी पूछा जाता है, तो इसे भी फोकस कर सकते हो आप. क्लियर एवरीवन? थैंक यू भारत. ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है. द वर्ल्ड बैंक हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड USD 201.50 मिलियन लोन फॉर क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन. अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ. यहाँ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दे रही हूँ. क्या है वो? द वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है अग्रीमेंट. किसके साथ? हैज साइंड एन अग्रीमेंट विथ गवर्नमेंट. इंडिया गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है कि ये US $201.50 मिलियन का लोन प्रोवाइड करेंगे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन अक्रॉस सेवरल स्टेट्स इन इंडिया. इंडिया के सारे स्टेट में हम यहाँ देख सकते हैं कि एक वर्ल्ड बैंक ने एक अग्रीमेंट साइन किया इंडिया में. किस चीज़ के लिए? इसके टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, राइट? यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया है? US$201.50 मिलियन पैसा इंडिया को दिया है. क्लियर एवरीवन? एंड ये कौन सा फेज है? ये थर्ड फेज था. ऑलरेडी फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज हो चुका है. दिस इज द थर्ड फेज ऑफ 15 से 20 ईयर प्रोग्राम जो कि स्टार्ट किया गया है 2002 में स्टार्ट है. तो ऑलरेडी दो फेज हो चुका है. दिस इज द थर्ड फेज टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. क्लियर? ऑल ओवर स्टेट्स में ये चीज लागू किया जाएगा. नाउ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज वॉशिंगटन DC, राइट? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसके? यूनाइटेड नेशन. एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1944 में. प्रेसिडेंट कौन है? जिम योंग किम. एंड सीईओ कौन है इसके? क्रिस्टलाइन जॉर्जिविया, राइट? यहां देख सकते हैं हम वह हेडक्वार्टर्स डिस्कस किया हमने. सीईओ फिर से देख लेते हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिविया. ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिविया कौन है? सीईओ है इसके. क्लियर एवरीवन? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपका, इंडियन रेलवे हैज इंक्ड अ पैक्ट विद इटालियन रेलवे फॉर इम्प्रूविंग द सेफ्टी लेवल ऑफ द इंडियन कैरियर थ्रू अ रिव्यू ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? तो यहाँ देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं. यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं इंडियन रेलवे ने क्या किया है, एक पैक्ट साइन किया है. किसके साथ साइन किया है? इटालियन रेलवे के साथ. किस चीज़ के लिए? सेफ्टी लेवल को इम्प्रूव करने के लिए ऑफ द इंडियन कैरियर थ्रू अ रिव्यू ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम. सो यहाँ हम किसके बारे में डिस्कस किए हैं आपके साथ? यहाँ देख सकते हैं हम कि इंडियन रेलवे और इटालियन रेलवे के बीच में यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन की बात की गई है, सेफ्टी लेवल के इम्प्रोवाइजेशन की बात की गई है इंडियन कैरियर्स के बारे में, राइट? ये हमने इसके बारे में, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिस्कस करके बताती हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में हम फोकस करना चाह रहे हैं आपके साथ. यहाँ पे इंडियन रेलवे जो पैक्ट की है, पहले नितेश जब हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे हम देख सकते कि उन्होंने एक बात कही थी, राइट? यहाँ पे उन्होंने एक बात कही थी कि आयरन के साथ जो हमारे रेलवे जो व्हील्स और जो पटरी होती है, व्हील्स और जो पटरी होती है उस पे उन्होंने कहा था कि आयरन के साथ साथ वेंडियम एंड टिटेनियम जो मेटल है उसको भी लगाया जाए तो इससे एक्सीडेंटल चांसेस कम हो सकते हैं.
ये बात उन्होंने अपने टाइम पे कहा था, लेकिन क्या पता इसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं इस बात को लेकर। तो उसी तरीके से यहाँ पे इंडियन रेलवे ने एक पैक्ट साइन किया है इटालियन रेलवे के साथ, किस चीज़ के लिए, इंडियन करियर के सेफ्टी के बारे में बात की गई है यहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर? कैपिटल रोम, ऑफकोर्स सबको पता है। करेंसी यूरो। प्रेसिडेंट सर्गियो मैटरेला। एंड रेलवे मिनिस्टर कौन है? सुरेश प्रभु, ऑफ कोर्स। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एंड सब लोग बहुत इंटरेस्टेड हो, बहुत अच्छे से आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, थैंक यू एवरीवन फॉर दैट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इंडिया एंड श्रीलंका साइंड एन अग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट अ मल्टी एथनिक ट्राइलिंगुअल स्कूल इन अ नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आइलैंड नेशन दैट वुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू सिन्हाला तमिल एंड मुस्लिम स्टूडेंट्स टू लर्न इन अ मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट। अच्छा, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एक अग्रीमेंट साइन की गई है। क्या है वो अग्रीमेंट? टू कंस्ट्रक्ट अ मल्टी एथनिक ट्राइलिंगुअल स्कूल। ट्राइलिंगुअल मतलब तीन, मल्टी एथनिक मतलब मल्टी रीजनल, रीजन मतलब लैंग्वेजेस की बात की गई है यहाँ पे, मल्टी रीजनल, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, थैंक यू प्रांशी। अब यहाँ हम देखते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या लैंग्वेज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज किसे दी जा रही है। सिन्हाला तमिल एंड मुस्लिम स्टूडेंट के लिए मल्टी एथनिक ट्राइलिंगुअल स्कूल में नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो आइलैंड नेशन है श्रीलंका, वहाँ पे इस पे फोकस किया जाए ताकि वो मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में पढ़ाई कर पाए, राइट। क्लियर एवरीवन? अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। कैपिटल ऑब्वियसली श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। करेंसी क्या है? रुपी। एंड प्रेसिडेंट क्या है? रनिल विकर्मसिंघे, राइट। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रिया अग्रीड टू अमेंड देयर एग्जिस्टिंग बायलैटरल टैक्सेशन ट्रीटी टू प्रिवेंट टैक्स इवेशन एज वेल एज इनेबल म्यूचुअल असिस्टेंस। ओके, यहाँ साइन की गई है इंडिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच में अग्रीमेंट। किस चीज़ से? अमेंडमेंट की बात की गई है, मतलब अमेंडमेंट मतलब या तो चेंज या तो फिर क्या यहाँ पे बात की जा रही है, स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। किसे? एग्जिस्टिंग बायलैटरल टैक्सेशन ट्रीटी टू प्रिवेंट टैक्स इवेशन, मीन्स टैक्स के चोरी से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है, इसे चोरी रोका जाए, करप्शन रोका जाए बोलकर इंडिया एंड ऑस्ट्रिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है रिगार्डिंग बायलैटरल टैक्सेशन ट्रीटी। किस चीज़ को रोकने के लिए? जो करप्शन लेवल है उसे रोकने के लिए। सॉरी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। ओके, जस जयपाल रावत, आज ही है हिस्ट्री का क्लास। 1 बजे 2 बजे से आप लोगों का डिजिटल गुरु का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग विथ इंग्लिश, अगेन आई गेस मैथ्स, देन रीजनिंग, देन हिस्ट्री एंड देन जियोग्राफी। सो डिजिटल गुरु के सेशन में आप लोग जरूर आइए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन रखा गया है, आप भी के इम्प्रूवमेंट के लिए सेशन रखा गया है। क्लियर? थैंक यू विपिन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, मैंने शायद यहाँ डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ, कैपिटल कैपिटल इज वियना, करेंसी इज यूरो, एंड प्रेसिडेंट कौन है? एलेक्जेंडर वैन डर बेलर, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स आर नियर। गवर्नमेंट अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सेनेगल इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन विच इंक्लूड्स कोऑपरेशन इन एड्स कंट्रोल, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलियंस एंड इमरजेंसी रिलीफ। ओके, गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल दिया है अग्रीमेंट का, अग्रीमेंट का बिटवीन इंडिया एंड सेनेगल, किस चीज से रिलेटेड? इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। यहाँ पे क्या चीज से रिलेटेड बात की गई है? विच इंक्लूड ऑपरेशन इन एड्स कंट्रोल, राइट। इन एड्स कंट्रोल, ये इस डिजीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इन चीज को रिलेटेड फोकस किया गया है, ताकि क्या है सर्विलियंस, मतलब क्या होता है एक खोज करना, राइट। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि इन एड्स कंट्रोल या फिर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस की यहाँ पे बात की गई है। सपोज किसी को बीपी है, किसी को भी बीपी है XYZ को, फिर उस का जांच किया जा रहा है, अगर वो ठीक नहीं हुआ फिर बीपी से कोई दूसरी बीमारी हो गई, फिर शुगर हो गया, तो ये क्या हो रहा है, एक बीमारी से लिंक हो कि दूसरी बीमारी हो रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए
इन दोनों ने अग्रीमेंट साइन किया है, दैट इज इंडिया एंड सेनेगल इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। क्लियर एवरीवन? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कैपिटल देख लीजिए एक बार, डाकर। करेंसी है फ्रांस एंड प्रेसिडेंट है मैकिसा। क्लियर एवरीवन? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यस, एंड द पॉइंट हियर इज इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने फरवरी 2017 में साइन किया है बायलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू अलाउ मोर फ्लाइट्स टू बूस्ट टूरिज्म। ओके, इंडिया एंड यूके के बीच में अग्रीमेंट साइन किया गया है टू अलाउ मोर फ्लाइट्स टू बूस्ट टूरिज्म। टूरिज्म की बात आ जाए तो यहाँ पे कल्चरल बोलते हैं कि कल्चरल रिलेशन के बारे में भी हम देख सकते हैं, टू ऑल्सो टू डेवलप द कल्चरल रिलेशन। क्लियर? तो यहाँ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट है। कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग एंड पीएम कौन है? थेरेसा मे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया। यहाँ पे इंडिया और क्रोशिया के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वो साइंड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीताराम एंड क्रोशिया के जो गवर्नमेंट ऑफ एंड मिस मार्टिना डालिक जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं एंड शी इज ऑल्सो अ मिनिस्टर ऑफ द इकोनॉमिक गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया, राइट? यहाँ पे भी एक अग्रीमेंट साइन की गई है इन कोऑपरेशन। किस चीज़ के बारे में? इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में, मतलब आर्थिक स्थिति को डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई है। ओके, यहाँ ज़्यादा डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। देख लेते हैं कैपिटल क्या है। कैपिटल इज ज़ाग्रेब। करेंसी है कुना एंड प्रेसिडेंट है कोलिंदा ग्राबर क्रोटोविक, राइट? कोलिंदा ग्राबर क्रोटोविक और कैपिटल है ज़ाग्रेब, करेंसी है कुना। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों के लिए? चलिए, ये लास्ट पॉइंट था इस सेशन का। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। डू लाइक, नेक्स्ट सेशन में हम और भी ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे। एंड कमेंट करिए, आपके कमेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। डू कमेंट्स फॉर श्योर, शेयर करिए। एंड जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन। Thank you.